हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीव है और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक नए टॉपिक लेकर आए हैं, भूख हजूले के ऊपर है। भूख हजूले आप लोग देखा है, ट्रांसफार्मर का सर्टिफिकेट है, तो आज प्रैक्टिकली आपको कुछ चीज़ दिखाना है। तो एक्चुअली मेरे सामने एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर कम अर्थिंग ट्रांसफार्मर है, स्टेशन ऑक्सिलरी कम अर्थिंग ट्रांसफार्मर है। तो इसमें हम अर्थिंग भी ले सकते हैं, अर्थिंग ट्रांसफार्मर पर्पज भी सर्व कर सकते हैं, और नॉर्मल जो स्टेशन सप्लाई 415 वोल्टेज जो है वो भी हम ले सकते हैं। तो चलिए डिटेल्स आपको दिखाते हैं। इसका जो भूख हजूले है, सभी में एक ही भूख हजूले है, तो प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे क्या है ये भूख हजूले में, क्या क्या चीज़ है वो भी आपको दिखाएंगे। आप देखिए इसका जो कैपेसिटी है, आपको मैंने दिखाया पहले, एक्चुअली 100 केवी ट्रांसफार्मर है और 33 व 415 ये स्टेप डाउन कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये जो ट्रांसफार्मर है, इसमें जो देखिए फॉल्ट करंट जो दिखा रहा है 551, ये फॉल्ट करंट ये 30 सेकंड्स में ये विथस्टैंड कर सकते हैं, उसके बाद ये ट्रिप कर जाएगा ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ऐसे ये काम होता है। और इसका जो भूख हजूले है वो इस तरह है, इसमें एक विंडो आपको दिखा रहा है, दिख रहा है वो वाला विंडो, और इसमें भी एक टैप जैसा है, वो हम दिखाएंगे आपको, चलिए। और ये है फ्रंट साइड, देखिए इसमें लिखा है गैस ऑपरेटेड रिले, टाइप क्या है, GOR, सीरियल नंबर, कॉन्टैक्ट, NO, ट्रिप NO, और 5 डिग्री जो अलाइनमेंट, एक्चुअली ये जो अलाइनमेंट है ग्राउंड के साथ, ये 5 डिग्री अलाइनमेंट है। और इसमें देखिए ये टुवर्ड्स कंजर्वेटर, ये साइड जो कनेक्शन है, ये देखिए कंजर्वेटर के साथ इस साइड पे जुड़ा है। तो पास में और एक सेम ट्रांसफार्मर है, उसमें आपको दिखाते हैं उसका जो भूख हजूले है वो आपको दिखाते हैं, सेम ही, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए इसमें भी सेम लिखा है। तो ये हम टॉप कवर ओपन करेंगे, इसमें आप ऐसे देखेंगे, ठीक है। और साइड में लिखा है, देखिए ये अलार्म और ट्रिप, ये अलार्म और ट्रिप दोनों लिखा है, देखिए ऊपर में ए, इधर में ए और नीचे ट्रिप। इट मीन्स ये जो ऊपर में जो दोनों कॉन्टैक्ट है ये अलार्म का है, और नीचे वाला जो दो कॉन्टैक्ट है ये ट्रिप का है। हम लोग जब ट्रांसफार्मर को अलार्म और ट्रिप सर्किट को चेक करते हैं, ऐसे ही चेक करते हैं, सोच लीजिए एक शॉर्टिंग तार वायर ले लिया, उसमें ये दोनों हम टच करेंगे, ऐसे शॉर्ट कर देंगे तो ये कंट्रोल रूम में आपको हुटर आएगा। और इसका जो ऑक्सिलरी रिले है, ट्रांसफार्मर का जो ऑक्सिलरी रिले बुकहॉल्स अलार्म वो आएगा, फेसिया में ट्रांसफार्मर ट्रैवल अलार्म ऐसा कुछ आपको दिखाएंगे। और नीचे वाला जो है ये ट्रिप सर्किट के ट्रिप के लिए है, ट्रांसफार्मर ट्रिप के लिए, ठीक है। जब भी हम इसमें क्लोज कर देंगे, इसमें इसके साथ साथ एक साउंड आएगा कंट्रोल रूम में, और ट्रिपिंग जो रिले है बुकहॉल्स ट्रिपिंग जो रिले वो रिले आ जाएगा, ठीक है। इसमें बुकहॉल्स अलार्म रिले दिखाएंगे और इसमें बुकहॉल्स ट्रिप दिखाएंगे, जो भी हो इसमें शॉर्ट कर देंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है पानी किसी भी तरह इधर आ सकते हैं, इस जो बॉक्स है इसमें आ सकते हैं। इसके आने के बाद ये जो ऊपर हो जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल डायरेक्टली शॉर्ट कर देते हैं, तो उसके लिए इसमें अलार्म नहीं आएगा। सोच लीजिए इसमें ऐसा पानी है तो तब भी कुछ भी नहीं होगा, मगर जिस टाइम पे ये पूरा इतना टाइम इतना फिलअप हो जाएगा, उस टाइम क्या होगा, ट्रांसफार्मर ट्रिपिंग बुकहॉल्स जो ट्रिपिंग अलार्म रिले है वो आ जाएगा, ट्रांसफार्मर तुरंत ट्रिप कर जाएगा, उसमें अलार्म नहीं आएगा। और एक चीज़ आपको दिखाना है, एक्चुअली क्या है, इस साइड में देखिए एक ओपन स्लॉट है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसमें कभी भी फिलअप होगा तो पानी किसी भी कारण इधर आ सकते हैं, तो पानी इधर से निकल जाएगा, इधर से ये होल से निकल जाएगा, तो कभी भी ये ट्रिपिंग नॉर्मली बारिश के टाइम नहीं होगा, इसीलिए इसमें स्लॉट इस साइड में है। आपको ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा दिखा दिया। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहते हैं, बास में और भी ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर आप देखेंगे तो इसमें दोनों ऐसा वाल्व फिटिंग रहता है, ठीक है, मगर
सोच लीजिए कुछ टायर कुछ कारण ये ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस है, सोच लीजिए ट्रांसफार्मर नहीं दूसरा जो ट्रांसफार्मर है उसमें काम हुआ है, मेंटेनेंस हुआ है, प्रीपूजा और विंटर मेंटेनेंस जो भी है वो हुआ है उस टाइम, ये जो भाल भाई बंद कर दिया गया है तो क्या होगा उस टाइम, ऐसा भी हो सकता है ये ऑयल एक्सपेंड तो होगा इसके टैंक के अंदर मगर ये जा नहीं सकते इधर, ये पाइप कनेक्टिंग जो पाइप है ये पाइप से ये जा नहीं सकते, तो उस टाइम क्या होगा इसमें जो ऑयल एक्सपेंशन के कारण इसमें हैवी प्रेशर इसमें बिल्डअप होगा, उस टाइम क्या होगा ट्रांसफार्मर के ऊपर एक पीआरवी और पीआरडी जो भी प्रेशर रिलीफ डिवाइस और प्रेशर रिलीफ वाल्व जो भी आप बोलना चाहते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है, किसी भी कारण ये बंद हो जाएगा तो इसको करेक्टली ओपन कर देना चाहिए, किसी भी कारण ये बंद होना नहीं चाहिए, इसीलिए ये ऑयल सर्ज भी आ सकता है, ऑयल सर्ज तो दूसरा कॉज है, पीआरडी ऑपरेट कर सकते हैं इजीली, मेनली इस प्रेशर रिलीफ डिवाइस और ऑयल सर्ज में फ़र्क होता है, प्रेशर रिलीफ डिवाइस ट्रांसफार्मर के ऊपर में ऐसा इस पोजिशन में और उस पोजिशन में ये पीआरडी डिवाइस लगा सकता है, ये पास में ट्रांसफार्मर आपको दिखाते हैं ऊपर में है, आपको नहीं दिखा सकते इधर से, वो पीआरडी ऑपरेट हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर ट्रिप कर सकते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ और एक भी चीज़ भी है ऑयल सर्ज रिले, ये आप देखिए ये ट्रांसफार्मर रिले आपको दिखा सकते हैं, ये वाला ये जो है ये ऑयल सर्ज रिले है, ठीक है, तो जो भी हो बुखस जिले का जो कॉन्टैक्ट होता है ओपन और क्लोज कॉन्टैक्ट कैसे काम होता है वो मैंने आपको दिखा दिया, ऐसे ही इसको ट्रिप और अलार्म काम ठीक से होता है क्या हम चेक कर सकते हैं, मगर ऐसा तो हम प्रैक्टिस करते हैं ट्रांसफार्मर अलार्म ट्रिपिंग ठीक ठाक चल रहा है क्या नहीं, प्रैक्टिकली जब भी कुछ प्रॉब्लम होगा ये अलार्म फर्स्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद ये ट्रिपिंग आएगा, मगर बारिश के टाइम वो जो आपको मैंने बोल दिया इसमें पानी इतना फिलअप हो जाएगा तो ये ट्रिपिंग डायरेक्ट हो जाएगा, उसके साथ से और एक चीज़ आपको दिखाते हैं, इधर एक पोजीशन है आपको दिखाते हैं, ये इसको ऐसे ही मैं ओपन नहीं कर सकते अभी, इसमें जो ये वाल्व है ना ये वाल्व ओपन कर देंगे तो इधर से भी इसमें कोई भी पानी और ऑयल जो भी है इधर से हम निकाल सकते हैं, तो आशा रखता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मैं फिर से लेकर आएंगे ऐसे कुछ नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।